हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकाउंट्स हवेली। मैं शोभित कुमार चौधरी आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल अकाउंट्स हवेली पर। और ये क्वेश्चंस है जिसमें ये वीडियो है जिसमें हम POBM के लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मेरे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। बेटा देखिए, 3-4 तरीके की ऑडियंस होती है। एक ऐसे होते हैं जिन्हें डिटेल में चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्हें केवल टू द पॉइंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं बच्चों जो बीच बीच में एक्सप्लेनेशन देता हूँ जिस पे इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, मैं उन्हीं बच्चों के लिए करता हूँ जिन्हें सेलेक्टेड में से और सेलेक्टेड चाहिए। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपको बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, मैंने तो मेरा काम सारे प्रोवाइड करना है आप में। आप देखिए आप किस तरीके की कैटेगरी में। अगर आपको केवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट टिक करता हूँ, केवल आप उनको ही पढ़ के जाएँ और अपना रिस्क थोड़ा आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में हिट ना करें। मेरे बच्चों, इतने सारे, इतनी बड़ी कॉपी में से 400 पेज की बुक में से अगर मैं आपको 30-32 पेज दे रहा हूँ और वो भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या वाली बात आपके लिए भी है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ यहाँ इस PDF से बाहर तो नहीं आएगा, लेकिन जिनको और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट चाहिए तो मैं जहाँ जहाँ पर टिक करता हूँ इंपॉर्टेंट, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है कंट्रोलिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ढंग से पढ़ के जाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद दूसरा ये बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी बहुत ढंग से आप लोग पढ़ के जाएं। नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं, लीडरशिप के बारे में आप पढ़ें। देखिए लीडरशिप के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और क्वेश्चन में कुछ भी पूछें और आपको लीडरशिप के बारे में जो भी आता है आप वो सारा लिख दें। आप ध्यान रखें POBM के पेपर में ये आपके पास एक थोड़ी सी एडवांटेज आ जाएगी कि क्वेश्चन में लीडरशिप के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन ने मान के चल लीजिए ए पूछा है, तो अगर आप लीडरशिप का बी भी लिखेंगे तो थ्योरी पार्ट में वो कवर हो जाएगा, चल जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से लीडरशिप और टाइप ऑफ लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप और टाइप ऑफ लीडरशिप और लीडर के करेक्टरिस्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें कवर नहीं है तो आप अलग से भी इस बात को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत, फिर से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन और उसके बैरियर्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में छोड़कर ना जाएं, इनको तो बहुत ढंग से पढ़ के जाएं। कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हाल में ना छोड़ें, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी किसी हाल में ना छोड़ें। बताइए ये क्या टिपिकल क्वेश्चन है कि बात करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बैड एक्सप्लेनेशन है, फॉल्टी ट्रांसमिशन है, अनक्लेरिफाइड अजम्पशंस हैं, बोला कुछ हमने समझा कुछ, बैरियर्स का मतलब होता है अवरोध, तो आप जो जो बात करने में दिक्कत आते हैं, कुछ बोला कुछ समझ लिया, आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, नॉइस हो रही थी, दूरी से वो बात कर रहा था, वो सारी बातें यहाँ लिख हुई हैं मेरे बच्चा। और 12th में पढ़ के आए हो बिजनेस स्टडीज़ में, तो ये बातें ना किया करो, ये बातें अच्छी नहीं लगती। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे हेडिंग में लिखो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये हेडिंग बनानी आपके बस का नहीं है, तो आप सीधा सीधा एक पॉइंट वाइज करके लिख दो तो भी कोई इशू नहीं पड़ेगा, तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो काम का कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो है उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जब हम जॉब की बात करते हैं, आप ये काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम काम की बात ना करके कोई पर्सनल टॉक वगैरह, गोसिप वगैरह करते हैं, कल क्या किया था, कैसा खाना खाया था, यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे, इस तरीके की जो बात करते हैं जो काम से रिलेटेड नहीं है, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का चैप्टर बहुत, कम्युनिकेशन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, तो कम्युनिकेशन को तो आप पढ़कर ही जाएं, यहाँ से पेपर में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा मेरे बच्चों, तो इसको तो आप पढ़कर ही जाएं, ठीक है। जल्दी से, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसको देख लें, स्किप भी कर सकते हैं। फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हैं, जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए तो ये क्वेश्चन स्किप करके चल सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मैं तो बोल ही देता हूँ स्किप करें, ये क्वेश्चन पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्किप ना करें, इसको एक बार आप रीड आउट करके जाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही सिलेक्टेड टॉपिक चाहिए तो इस क्वेश्चन को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। एक मिनट बेटा, इस क्वेश्चन को ना इग्नोर करें, ये वाला तो पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर आप पढ़ के जाएं पेपर में, इसकी भी
जो चांसेस हैं वो हाई हैं, प्रायोरिटी अच्छी है इसकी। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग को इग्नोर नहीं करेंगे। और कुछ भी पूछे प्लानिंग के बारे में, आपको जो नीचे लिखा हुआ है वो सारी बातें आप लिख के हैं, कुछ भी पूछे आप ये लिख के हैं छोड़ के ना आए। प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग, ये चीज़ें तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जो पाँचों मैंने जो बताया था पोज डी के, जो मैंने शॉर्ट में याद कराया था, उन सबको तो आप पढ़कर ही जाएंगे। बैरियर्स ऑफ प्लानिंग स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिसीजन मेकिंग क्या है, इसकी टेक्निक बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको एक बार पढ़ के चले जाएं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख कर जाएं मेरे बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या होती है, इस क्वेश्चन को पढ़ लें। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और इस तरीके से एक क्वेश्चन और डिक्टेट कर रहा हूँ। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है, उन क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएं। मोटिवेशन को पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन इतना कोई खास बात है नहीं, तो मोटिवेशन के बारे में पढ़ के आएँ। दूसरे को मोटिवेट करना आप कर सकते हैं, यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस, ये सारी बातें आप मोटिवेशन में बना के लिख सकते हैं कि इससे हम दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो वो काम को अच्छे से करेगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो गोल ओरिएंटेड हो जाएगी। तो ये सब बातें हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये थियरी वेरी जो है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, स्टाफिंग के, डायरेक्टिंग के, कम्युनिकेशन का, बैरियर्स और लीडरशिप, ठीक है। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाएं, फिर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा कर लेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इतने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं पेज, इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेटा कुछ लीगल लिटिगेशंस में मैं बिजी था, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में थोड़ा टाइम जा रहा था, मैं बिजी था, उसके बाद भी आपके लिए मैंने ये वीडियो, बच्चों ने कहा, उनकी डिमांड उन्हीं के लिए है, बच्चों ने डिमांड की, तो मैं इस टाइम इसलिए इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि पॉसिबल नहीं था, फिर भी मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दिए और कमेंट कर दें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।